हाय, जैसे हमारे हमारे लाइफ में हमें जब भी किसी से बात रहती थी पहले तो हम टेलीफोन से बात करते थे। टेलीफोन के बाद में उसका रिसर्च हुआ और कोर्डलेस फोन आ गया। कोर्डलेस फोन के बाद में पेजर आ गया जिससे हम मैसेजेस देते थे। उनके बाद में हमारे मोबाइल आ गए जो बटन्स वाले और बड़े कोड के साथ में आते थे। एंड उसके बाद में उसका वर्जन चेंज करके मोबाइल आ गए जो कॉम्पैक्ट भी थे, छोटे भी थे। और उसके बाद में अभी 21 सेंचुरी में हमारे स्मार्टफोन आ गए जो हम टच स्क्रीन्स कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। वैसे ही टपरवेयर में हमारा जो स्मार्ट चॉपर है वो जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर आया है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलो तो आज हम आपको शेयर कराते हैं हमारे स्मार्ट चॉपर की जनरेशन की। तो ये फर्स्ट है हमारा जो स्मार्ट चॉपर है वो हैंड स्मार्ट चॉपर, जिसको हम हैंड से चॉप करते थे, और ये है हैंड स्मार्ट चॉपर। उसके बाद में हमारा सेकंड जो चॉपर आया है ये हमारा स्मार्ट चॉपर, जो जिसमें हम कोड को पुल करते थे एंड चॉपिंग करते थे। और अभी हमारा आया है जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर, कि जो हमारा अभी का स्मार्ट चॉपर है। आपको ये 3 स्मार्ट चॉपर के जनरेशन की शेयर कराई। अभी हम बताते हैं कि हमारा जो स्मार्ट चॉपर है एंड जनरेशन 2 जो स्मार्ट चॉपर है वो दोनों की डिफरेंस क्या है, और ये जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर कैसे आज के जनरेशन में और आज के पीरियड में ये काम आ गया। हम ये जो हमारा ये स्मार्ट चॉपर था उसका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है सील, एक है ब्लेड और एक है बेस। वैसे ही सेम जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर भी है, वो भी सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है से मैकेनिज्म सील, ब्लेड चॉपिंग ब्लेड एंड बेस, जिसमें चॉपिंग होता है। यहाँ पे एक जॉब दिया गया है कि जिससे ये ब्लेड को वहां पे होल्ड करना रहता है और चॉपिंग होता है। ये एंटी स्किड बेस है। सेम ये भी एंटी स्किड बेस है जिसकी कैपेसिटी है 300 ml एंड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है एंड ट्रांसपेरेंट है। हमें दिखता है कि हमारा फूड पार्टिकल कितना चॉप्ड हो गया है। एंड सेकेंड है हमारी ब्लेड जिससे हम चॉप करते हैं। ये सेफ्टी कवर दिया जाता है, सेफ रहता है। ये सेफ्टी कवर हमारे हर स्मार्ट चॉपर में रहता है, पर जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर में भी ये कवर है और ये इसकी ब्लेड है। जो ये स्मार्ट चॉपर की ब्लेड है वो तीनों पार्ट में अनइवन है, बट ये फ्लैट है। और जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर जो है वो अपर ब्लेड एंड मिडल ब्लेड जो है वो कर्व है, एंड जो डाउन ब्लेड है वो स्ट्रेट है। ये है ब्लेड का डिफरेंस। और हमारा जो जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर है इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, पुल कोड का वाइट कोड है एंड इस तरह से इसको पुल करना है। एंड ये जो स्मार्ट चॉपर है उसका इस तरह से है, तो आपको शेप का डिफरेंस होता रहेगा कि यहाँ पे ये राउंड है और यहाँ पे ग्रिप करने के लिए है। प्लस यहाँ पे आप ये सील देखते रहोगे, यहाँ पे इस तरह से ये डिजाइन बनाई गई है कि ये जो ब्लेड का ऊपर का टॉप है उसमें वो सेट हो जाता है। तो चलो हम आपको हमारे जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर की स्पेशलिटी को बताते हैं। स्मार्ट चॉपर का ये जो है जनरेशन 2 स्मार्ट चॉपर है, ये ब्लेड को यहाँ पे इस तरह से सेट करना है एंड देन हमें ये जो उसमें ये जो टॉप है उसको फिट करना है, एंड देन हमारा स्मार्ट चॉपर रेडी हो गया चॉपिंग करने के लिए। राइट, सो ये चॉप हो गया। ये इस तरह से आपको उसको होल्ड करना है एंड स्ट्रेट लेवल में हमें उसको पुट करना है, ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है, स्ट्रेट। और ये 15 सेकेंड में 288 नाइफ कट होता है एंड 5 मिनट करेंगे तो हमारा फाइन चॉप हो जाता है जो भी हमने किया अभी। इसका इसमें चॉप्ड हो गया, चॉप होने के बाद में मेन काम आता है इसको वॉश करना। इसको इजी टू वॉश है, डाइल्यूट लिक्विड से आप वॉश कर सकते हैं। बट ये जो मैकेनिज्म का पार्ट है वहां पे ये कोड को हमें गीला नहीं करना है, उसको ड्राई रखना है, और इसी के लिए यहाँ पे दिया है ये लॉकिंग सिस्टम। ये एरो दिया है, यहाँ पे हमें इस तरह से उसको टर्न करना है और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रेड जो है वो रेड बटन दिया है उसको हमें इस तरह से ओपन करना है। ये ओपन हो गया, ये है अपर पार्ट जो इसको हमें गीला नहीं करना है, ड्राई रखना है और इसको हमें वॉश करना है। क्यों?
बिकॉज यहाँ पे जो भी हमने चॉप किया तो वो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। अभी वॉश करने के बाद ड्राई हो गया, सो अगेन हमें क्लोज करना है। तो जो यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम का ये पार्ट है उसको यहाँ पे रखना है, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे है वहां पे रखना है, एंड फिर आपको उसको जो जो तरीके से हमने किया उस तरह से इसको क्लोज करना है। तो ये अभी ये क्लोज हो गया एंड अभी ये वापस रेडी हो गया उसका दूसरा जो भी हमें चॉप करना है उसके लिए। और इस तरह से उसको पुल कोड को पुल करना है एंड चॉप करना है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें हम डिप्स बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं, फ्रूट बटर बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, इवन बेबी फूड क्विक बनाना है वो बना सकते हैं। प्लस हमारा जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम सारी वेजिटेबल्स को जो चॉप करना चाहते हैं, पाव भाजी मिसल पाव, उसमें हम चॉप कर सकते हैं, है ना हमारा बढ़िया जनरेशन टू स्मार्ट चॉपर। सो चलो आओ शॉप करें एंड आओ चॉप करें।